गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल मैंने आपको पार्ट 3 की हिंदी समझाई, आज मैं उससे आगे की हिंदी आप लोगों को समझाऊंगी। जानित जानित यूयम किम, किम क्या, यूयम तुम सब, जानित जानते हो, क्या तुम सब जानते हो। न्यायालय यदा न्यायाधीशः अपराधिनम् मृत्युदंडम श्रावयति तथा पत्रे सुहस्ताक्षरम कृत्वा माम त्रोटयति। न्यायालय में यदा, जब न्यायाधीश अपराधिनम अपराधी को मृत्युदंडम मृत्युदंड श्रावयति सुनाता है, और पत्र में सुहस्ताक्षरम अपने हस्ताक्षर कृत्वा करके माम मुझे त्रोड़यति तोड़ देता है। न्यायालय में जब न्यायाधीश अपराधी को मृत्युदंड सुनाता है और पत्र में अपने हस्ताक्षर करके मुझे तोड़ देता है। दीपावली रात्रौ लक्ष्मिया सह मम अपि पूजा भवति। दीपावली की रात में लक्ष्मी के साथ सह साथ मामा भी मेरी भी पूजा भवती होती है। दीपावली की रात में लक्ष्मी के साथ मेरी भी पूजा होती है। अहम अपि देवी तुल्या अस्मि, अहम मैं अपि भी देवी तुल्या देवी के समान अस्मि हूँ, मैं भी देवी के समान हूँ। साक्षात विद्या देवी सरस्वती मम जिभ्या अग्रे वसति, साक्षात विद्या देवी सरस्वती मेरी जीभ के आगे वाले भाग में बसती रहती है। साक्षात विद्या देवी सरस्वती मेरी जीभ के आगे वाले भाग में रहती है। एतत् अर्थम, इसलिए पंडिता पंडित माम मुझे पूजयन्ति पूजते हैं, पूजा मेरी पूजा करते हैं। क्या तुम सब जानते हो, न्यायालय में जब न्यायाधीश अपराधी को मृत्यु की सजा सुनाता है और पत्र में अपने हस्ताक्षर करके मुझे तोड़ देता है। दीपावली की रात में लक्ष्मी के साथ मेरी भी पूजा होती है, मैं भी देवी के समान हूँ। साक्षात विद्या देवी सरस्वती मेरी जीभ के आगे वाले भाग में रहती है, इसलिए पंडित मेरी पूजा करते हैं। ये हिंदी आप रफ कॉपी में लिखनी है, इससे ऊपर की हिंदी भी आपने रफ कॉपी में लिख ली होगी। अब आपको हिंदी यहाँ तक रफ कॉपी में पूरी हो जाएगी, फिर उसके बाद आपको हिंदी अभी थोड़ी सी और रह गई है, एक बार और देख लीजिए आप लोग हिंदी। क्या तुम सब जानते हो, न्यायालय में जब न्यायाधीश अपराधी को मृत्यु की सजा सुनाता है और पत्र में अपने हस्ताक्षर करके मुझे तोड़ देता है। दीपावली की रात में लक्ष्मी के साथ मेरी भी पूजा होती है, मैं भी देवी के समान हूँ। साक्षात विद्या देवी सरस्वती मेरी जीभ के आगे वाले भाग में रहती है, इसलिए पंडित विद्वान मेरी पूजा करते हैं। बेटा ये आप रफ कॉपी में लिखेंगे, ये आपका होमवर्क है, इससे आगे की हिंदी कल में आपको कराऊंगी।